हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल बाइंडिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज का टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज का हम यहाँ पे वीडियो दे रहे हैं आपको, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज करेक्ट फॉर XiO2F2 मॉलिक्यूल। और हमारे सामने चार स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर्स करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है आपके दो कंसेप्ट पे। पहला जिसको हम बोल सकते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा ग्रुप या किस लोन पेयर या डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड किस पोजीशन पे खुद को अरेंज करेगा ताकि मॉलिक्यूल की एनर्जी एकदम से मिनिमम हो और मॉलिक्यूल क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो सके। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे दो मेथड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, जो पहला तरीका है वो हम यूज करते हैं वसेपर थियरी से। जैसे उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो लिख लेंगे XiO2F2, ये बन गया। हम इसमें सेंट्रल एटम को डिसाइड करेंगे, तो हम जानते हैं कि जिसकी संख्या कम हो या जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो या जो साइज में बड़ा हो, इस तरह के ही एटम सेंट्रल एटम डिसाइड किए जाते हैं। तो ज़ेनान हमारा सेंट्रल एटम हो गया। सेंट्रल एटम डिसाइड करने के बाद हम सबसे पहले उसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो सेंट्रल एटम डिसाइड करने के बाद लेविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम बाकी के सराउंडिंग एटम को एक सिमेट्रिकल वे में अरेंज कर लेंगे चारों तरफ ऐसे। फिर हम ये देखेंगे कि सराउंडिंग एटम्स जो भी हैं XiO2F2, यहाँ पे दो ही F हैं, तो हम ये सराउंडिंग एटम दो जो भी हैं वो सराउंडिंग एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो फ्लोरीन को, चूंकि ये सेवेंथ ग्रुप का होता है या आप बोल सकते हैं 17th ग्रुप का होता है, इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन यहाँ भी एक बॉन्ड बनाएगा। दोनों ऑक्सीजन जो 16 ग्रुप के होते हैं, इनको दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो ये दो बॉन्ड बना लेंगे। तो सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट तो हो चुका है। अब हम ये देखेंगे कि जिस सेंट्रल एटम ने बॉन्ड बनाए उसके कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो चुके हैं। और ज़ेनान 0 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा बैलेंसी सेल में। तो 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 यूज हो गए, तो इसके पास कितने लोन पेयर बचे। तो लोन पेयर हो गया आपका 1। तो एक लोन पेयर इस सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ 4 सराउंडिंग एटम हैं। तो स्टेरिक नंबर होता है कि बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर। तो बॉन्डेड एटम अब हमको दिख रहे हैं 4 प्लस लोन पेयर है 1, तो ये आ जाएगा 5। जब भी स्टेरिक नंबर 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन यस से शुरू करेंगे, एक यस, पी के तीनों, 3 पी और 1 डी, टोटल मिलके 5 हो गए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल गया sp3d। sp3d का जो आइडियल शेप होता है, आइडियल शेप वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो हमको दिखाई देगा कि 3 बॉन्ड ऐसे होने चाहिए और 2 बॉन्ड एबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसे करके। तो ये एबव है और ये बिलो है, अगर ये आइडियल होता तो। अब हमारे सामने एक लोन पेयर है, 2 फ्लोरीन है और 2 ऑक्सीजन है जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वसेपर थियरी ये बोलता है कि अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का एंगल देखो तो ये होता है 120 और ये एंगल होता है 90। तो 90 डिग्री पे अगर मैं यहाँ एक्जियल, इस बॉन्ड को बोल देते हैं एक्जियल और तीनों बॉन्ड को बोल देते हैं यहाँ पे इक्वेटोरियल। इस एक्जियल पोजीशन पे अगर हम इस लोन पेयर को पुट कर दें तो इस लोन पेयर से रिपल्सन 90 डिग्री से होगा, जो कि ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कि अगर ये लोन पेयर 120 डिग्री पे होता। तो 120 डिग्री से रिपल्सन कम होने के वजह से वो स्टेबल माना जाता, इसलिए लोन पेयर को हम एक्जियल पे नहीं रखेंगे। पहला चीज़ कि लोन पेयर एक्जियल पोजीशन पर लोन पेयर नहीं जा सकता। दूसरा कंसेप्ट कि अगर हम डबल बॉन्ड को चेक करें तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन भी, अगर यहाँ एक्जियल पे डबल बॉन्ड रखा जाता तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन भी ज़्यादा होता। तो एक्जियल पर डबल बॉन्ड भी नहीं रख सकते, ये भी नहीं रख सकते।
तो जब हम दोनों चीज़ें हमारी डिसाइड हो चुकी हैं कि लोन पेयर भी एक जीएल पे नहीं जाएगा और डबल बांड भी एक जीएल पे नहीं जाएगा, इसका मतलब डबल बांड भी इक्वेटोरियल पे होगा इन पोजीशनों पे, या लोन पेयर भी इक्वेटोरियल पे होगा इन्हीं तीनों पोजीशनों पे। और इसके अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रक्चर में ज़रा इस चीज़ को देखेंगे तो हमको बस ये देखना है कि किस स्ट्रक्चर में डबल बांड भी एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और लोन पेयर भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो लोन पेयर भी इक्वेटोरियल पे है और डबल बांड भी इक्वेटोरियल पे, और एक्जीएल पे कौन है, फ्लोरीन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट मान लेंगे। दूसरा मेथड है कि अगर हम सेम टू सेम एक बार XiO2F2 का स्ट्रक्चर बना करके, जैसा कि अभी पीछे हमने बनाया, इसको बना करके हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल लिया, इसका आया sp3d, जैसे अभी अभी हमने निकाला था। इस sp3d के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, और साथ में इस पे एक लोन पेयर है। तो हम अब एक नए कॉन्सेप्ट से इसको सोचते हैं कि अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो ये चीज़ हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि आपको अपने लेक्चर्स में भी पढ़ाए गए हैं, कि जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जो एक्जीएल होता है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ही कम पाया जाता है, और जो ये एक इक्वेटोरियल होता है इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पे एक रूल होता है बेंट रूल। बेंट रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम उस आर्बिटल से जुड़ते हैं जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो। तो हम देख सकते हैं कि एक्जीएल वाले जो ये sp3d आर्बिटल्स यहाँ होंगे वहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को यहाँ रखेंगे। अब इन सभी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन जाने वाला है एक्जीएल पोजीशन पे। अब हम बेंट रूल के अकॉर्डिंग एक चीज़ और जानते हैं कि लोन पेयर जिस हाइब्रिड आर्बिटल में पड़ा होगा, जिस किसी भी, मान लो कि एक हाइब्रिड आर्बिटल है, ये लोन पेयर है जो कि एक हाइब्रिड, उस हाइब्रिड आर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ही हाई होगा। तो परसेंटेज एस अगर उस आर्बिटल में हाई होगा तो हमको पता है कि इक्वेटोरियल वालों में ही परसेंटेज एस क्या है, हाई होता है एज कम्पेयर टू एक्जीएल, यानी कि एक किसी पोजीशन पे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं भी एक लोन पेयर चला जाएगा। अब हमारा दो चीज़ डिसाइड हो गया कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम या फ्लोरीन हमेशा एक्जीएल पे रहेंगे और एक लोन पेयर किस पे जाएगा, इक्वेटोरियल पे। तो अब बचा हमारा सिर्फ डबल बांड, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन बचता है और वो है इक्वेटोरियल, और इस बेसिस पर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। तो इस तरह से टैकल करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि वसेपर थियरी को स्पेशली ESP3D केस में कैसे ऑपरेट करें। SP3D केस में आपको बस इतना याद रखना है कि वसेपर थियरी ये बोलता है कि SP3D सिचुएशन में दो तरह के बांड पाए जाएंगे, एक एक्जीएल और एक इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 120 है, वो ऑलरेडी एक दूसरे से दूर है। तो हम उन सभी फीचर्स को देखेंगे ध्यान से कि क्या क्या हमको किस पे प्लेस करना है। तो हम ये देखेंगे कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे अगर रखें तो एंगल 120 होने की वजह से रिपल्सन थोड़ा सा कम होगा, अगर हम एक्जीएल पे रखें तो एंगल 90 होने की वजह से रिपल्सन हमारा हाई होगा, इसलिए लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पे रखेंगे। और बाय द सेम रीजन हम डबल बांड को भी इक्वेटोरियल पे रखेंगे ताकि हमारा रिपल्सन क्या हो, एकदम से मिनिमम। थैंक यू।